नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। उत्तरकाशी में मां गंगा के कपाट, गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:01 पर बंद हो चुके हैं। मां गंगा की डोली 12:05 पर गंगोत्री धाम से अपने शीतकालीन आवास मुखी मठ के लिए प्रस्थान हो चुकी है। अब श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखी मठ में कर सकेंगे। मां गंगा की डोली पदयात्रा करते हुए जांगला से मुखी मठ में विराजमान होगी। मां गंगा के दर्शन के लिए पूर्व गंगोत्री विधायक विजयपाल सचवान गंगोत्री धाम पहुंचे, साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा सह सम्मान चयित मां गंगा की डोली को मुखी मठ की ओर प्रस्थान किया गया। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:01 पर बंद हो चुके हैं। गंगोत्री धाम में अब तक करीब करीब 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगोत्री धाम के कपाट अब शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। मुखी मठ के लिए प्रस्थान मां गंगा की डोली हो चुकी है। जो श्रद्धालु हैं वो पूरे गाजे बाजे के साथ मां की डोली को उनके आवास की ओर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आज 12:01 पर जो तय मुहूर्त था उस समय कपाट बंद हुए और मां की डोली जो है वो 12:05 पर गंगोत्री धाम से अपने शीतकालीन आवास मुखी मठ के लिए प्रस्थान हो चुकी है और साथ ही साथ श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखी मठ में कर सकते हैं। यानी कि शीतकाल के लिए अब प्रस्थान जो है मां गंगा का हो चुका है। साथ ही साथ एक खुशी जो है, उत्साह जो है वो भक्तों में जरूर नजर आ रहा है। हालांकि कुछ भक्त ऐसे हैं जो मां की आस्था में उनके आंसू भी बहते हैं, ऐसी तस्वीरें भी लगातार सामने आती है। और इसी पर मेरे सहयोगी सुभाष कौर और सुमित मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, दोनों का मैं रुख करूंगी। सुभाष, बहुत ही अच्छा मौका है, आज अन्नकूट का पर्व देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, साथ ही साथ मां गंगा की डोली पदयात्रा करते हुए जांगला से मुखी मठ में विराजमान हो रही है, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, तय समय पर चारों ही धाम के कपाट खोले जाते हैं और तय समय पर कपाटों को बंद भी किया जाता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब शीतकालीन सत्र के दौरान यानी कि जो माँ गंगा की डोली है वो अब गंगोत्री धाम में ना रहकर बल्कि दूसरे स्थान पर रहती है और जो श्रद्धालु हैं, जो कि स्थानीय श्रद्धालु खासतौर से उत्तरकाशी के टिहरी के, वो लोग शीतकालीन सत्र के दौरान भी माँ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान लोग चाहते हैं कि वो गंगोत्री धाम पहुंचकर माँ के दर्शन करें और उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में पहुंचे, तो अब उनके लिए जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए और माँ गंगा के धाम पर यानी कि गंगोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:01 पर बंद कर दिए गए। और अब ये कहा जा सकता है कि अब अगले वर्ष जो यात्री यात्रा करने के लिए गंगोत्री धाम पहुंचेंगे तो अगले वर्ष का उनको इंतजार करना पड़ेगा और तब वो गंगोत्री धाम आकर माँ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि तय समय पर सभी चीजों को किया जाता है और यही वजह है कि जो समय था वो पहले से ही निर्धारित था और आज जो कपाट होने थे वो माँ गंगा यानी कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने थे और इसके साथ ही कल यमुनोत्री धाम के और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। जी ठीक है सुभाष, सुमित का मैं रुख करूंगी। सुभाष आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित, 2 साल से हम देख रहे थे कि कोरोना काल की वजह से वो भीड़, वो नजारा नहीं दिखाई दे रहा था। धूमधाम के साथ, पूरी आस्था के साथ तो मां की डोली रवाना हो रही थी, लेकिन आज जो दृश्य है वो बहुत ही अलग है। देखा जाए तो इस साल मां के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु, 6 लाख, 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं, जो मां को रवाना किया जा रहा है, प्रस्थान उनका हो रहा है दूसरी जगह पर, तब एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। किस तरह का नजारा है, किस तरह की खुशियां हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो माँ गंगे के जो कपाट है वो आज 12:01 पे माँ गंगे गंगोत्री धाम से रवाना हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु की जो संख्या है, जो माँ गंगे की डोली और दर्शन के लिए यहाँ पर बढ़ चढ़ के श्रद्धालुओं ने यहाँ पर भाग लिया है और अभी भी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो मोटर मार्ग है पैदल, जो माँ गंगे की डोली है, साथ साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी साथ साथ माँ गंगे की डोली के साथ चल रही है। तो मैं बीच में बता दूं कि जंगला पैदल मार्ग होके माँ गंगे की
डोली अभी जा रही हो। तो यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहितों की बात की जाए तो सच धज के माँ गंगे की जो डोली है, कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में दो साल जो कोरोना काल की जो मार झेली है देश विदेश के लोगों ने, तो इस बार जो श्रद्धालु की संख्या रही तो 6 लाख से ऊपर श्रद्धालु की संख्या गंगोत्री धाम में देखने को मिली। और यहीं पर आरबी द्वारा यहाँ पर भव्य तरीके से माँ गंगे की डोली को मुख्य मठ के लिए रवाना किया जाए। आज माँ गंगे की डोली मार्कंडे में स्थित रहेगी और वहीं पर पूजा अर्चना तमाम तरह की पूजा अर्चना वहां पर होगी और कीर्तन भजन वहीं पर होंगे। और सुबह वहां से 10-11 बजे के लिए बीच में माँ गंगे की डोली है जो मुख्य मठ के लिए रवाना होगी और वहीं पर श्रद्धालुओं को अब दर्शन होंगे। मुख्य मठ में माँ गंगे की जो पूजा अर्चना है वहीं पर 6 महीने के लिए शीतकालीन दर्शन माँ गंगे को वहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल सुमित, इसके अलावा हमने देखा है कि जब माँ गंगा का प्रस्थान होता है, मुखी मठ के लिए प्रस्थान कर रही हैं, तो एक खुशी तो होती है क्योंकि माँ गंगा के जो दर्शन हैं वो किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक आंसू जो है भक्तों की आंखों में वो भी नजर आते हैं, वो भावुकता नजर आती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ही माँ गंगे के कपाट गंगोत्री में 6 माह के लिए बंद होते हैं तो जैसे ही माँ गंगे के जो कपाट बंद होता है वहाँ पर एक भावुक क्षण जरूर दिखता है क्योंकि सभी के आंखों में आंसू होते हैं, जैसे माँ गंगे को एक बेटी की तरह विदा करते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ जो यात्रा में जुड़े हैं ये भी यहाँ पर दर्शन के लिए काफी दूर से आए हैं तो ये भी माँ गंगे के साथ पैदल, तो कैसे लगता है जब माँ गंगे के जब कपाट बंद होते हैं और वो क्षण आता है जब माँ गंगे की डोली जाती है, तो क्या भाव क्या पल होता है? देखिए साहब, हम तो 6 महीने ही रहते हैं और 6 दुकानदार हैं, पुरोहित भी हैं, तो हम लोग जो आते हैं यहाँ पे हम लोग 6 महीने माँ गंगा की पूजा यहाँ होती है। 6 महीने जो हमारा परिवार है सेमाल परिवार ग्राम मुखवा का, हम पूजा करते हैं 6 महीने मुखवा में, 6 महीने गंगोत्री में। तो आज जो अन्नकूट पर्व पे 12:01 पे माँ भगवान पुण्य सलीला माँ भगवती गंगा की जो भूप मूर्ति है उसका पालकी में लिया के यहाँ से हमारे राहुल पुरोहितों द्वारा आज जाके भगवती माँ दुर्गा के अवतार ज्ञानकी देवी बोलते हैं वहां पे आज निवास स्थान होगा और कल दिन में 12 बजे के लगभग माँ भगवती अपने निवास स्थान मुखीमठ मुखवा ग्राम में 6 महीने के लिए विराजमान होगी। और हमारे सनातन धर्म की तो ये परंपरा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया, तो हम लोग माँ भगवती गंगे से पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व का कल्याण हो, सारा विश्व जो कोरोना विश्व महामारी वैश्विक महामारी फैली थी उससे निजात पाए और अन्य भी जो भी बाधाएं हैं उन सभी से निजात पाए, यही हमारी भगवती गंगे से प्रार्थना है। जय गंगा मैया। जी बिल्कुल, हमारे साथ सेमाल जी। ठीक है सुमित, मैं आपका रुख करती हूँ, सुभाष जी के पास मैं जाऊंगी। सुभाष जी, हमने देखा है कि जो गोवर्धन पूजा या अन्नकूट जिसे हम कहते हैं वो दीपावली से अगले दिन होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग नजारा हमें देखने के लिए मिला क्योंकि कल ग्रहण पड़ा, इस वजह से मुहूर्त में भी कई बदलाव हुए। तो ऐसे में जो माँ गंगा की डोली रवाना हुई है मुखी मठ के लिए उसमें कितना बदलाव देखा गया और क्या कुछ इसमें नया देखा गया ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो नहीं कर पाए दर्शन, जो नहीं जा पाते हैं उनके मन में उत्सुकता रहती है कि वो मुहूर्त कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है पहले से। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पहले से ही कर दी जाती है और बद्री मंदिर केदार समिति की जो समिति है वो समिति ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि किस दिन माँ गंगा के कपाट बंद किए जाएंगे, केदारनाथ के कपाट किस दिन बंद होंगे, यमुनोत्री के कपाट कब बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे। तो तैयारियां पूरी तरीके से की जाती है और जैसे कि सुमित ने बताया कि आर्मी के बैंड के साथ उनकी डोली को गंगोत्री से लेकर मुखवा की तरफ ले गया गया, यानी कि जिस स्थान पर वो 6 महीने के लिए रहेंगे यानी कि मुखी मठ जो स्थान है उस स्थान पर डोली को ले जाया जा रहा है। लेकिन डोली को ले जाने के साथ ही कई स्थानीय लोग भी डोली के साथ नजर आते हैं, कई लोग भावुक होते हुए भी नजर आते हैं क्योंकि एक बेटी की तरह देखा जाता है और ये कहा जाता है कि बेटी को जिस तरीके से भेजा जाता है उनके घर तो उसी तरीके से लोग डोली के जरिए माँ गंगा की डोली भी लेके जाते हैं और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की जाती है, मंदिर समिति की तरफ से भी की जाती है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी करते हैं। जैसे कि सुमित ने बताया कि डोली आज
एक ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जहां लोग पूजा अर्चना करेंगे, कीर्तन करेंगे और शायद भव्य स्वागत माँ गंगा का उस स्थान पर आज रात्रि में किया जाएगा और उसके बाद कल सुबह लगभग 11 बजे मुखी मठ के लिए जो डोली है वो रवाना की जाएगी। तो कहा जा सकता है तैयारियां पहले से की जाती हैं। भव्य तस्वीरें आज हमें देखने के लिए मिल सकती है, बहुत ही अलग नजारा देखने के लिए मिल सकता है, वो खुशी वो उमंग भक्तों में जरूर नजर आ रहा है, हम सुबह से ही देख रहे हैं और शाम को भी वो अलग नजारा अलग आरती जो है वो माँ की दिखाई देगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो माँ गंगा की डोली पदयात्रा करते हुए जांगला से मुखी मठ में विराजमान होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माँ गंगा के दर्शन के लिए पूर्व गंगोत्री विधायक विजयपाल साजवान गंगोत्री धाम पहुंचे। आर्मी की धुन पर मां की डोली जो है वो अलग अलग रास्तों से होते हुए रवाना हो रही है और ये डोली जो है वो कल सुबह 11 बजे मुखी मठ पहुंच जाएगी और वहीं पर फिर जो श्रद्धालु हैं वो मां के दर्शन पूजन कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।